कार्यक्रम के जो डाइस के अतिथि होते हैं, चाहे वो मुख्य अतिथि हो, वरिष्ठ अतिथि हो, वो बिल्कुल कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ में वो कार्यक्रम की पूरी जान होते हैं और वो आज ये मंच को सुशोभित करते हुए मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। इस सर अगर हमारे बीच में है तो ये बहुत बड़ी बात है और पूरा आपसे समय दिया सर ने एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। नई टीम है, यंग टीम है, 6ठा साल है और आपका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, जिस दिन आपने प्रेरणा लेकर के ये काम शुरू किया है, मैं ऊपर ईश्वर से यही कामना करता हूँ, ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि ये बना के रखे। तो कहने का मतलब ये है कि अक्सर एक दायरा है और सोच जो है उससे बहुत बड़ी होनी चाहिए। अच्छी बात है कि नया खून है, जोश है, दिशा भी अभी सही है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिशा जो है वो बनी रहे। समाज में बहुत कम लोग होते हैं, मतलब जैसे अभी बात आई कि भाई आप बहुत अच्छे बने, अच्छे पद पे जाएं, शैलेंद्र जी ने जो कहा उससे सहमत हूँ कि पद जो है वो आपकी उड़ान को लिमिटेड कर देगा। आपको अपनी, अगर आप में काबिलियत है और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो आप जो है वो उड़ान भर जाएंगे, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। और जो एग्जांपल्स आप बता रहे हैं उन्हीं एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा है। ऊपर वाला आपको एक ताकत दे, फिर से बधाई देता हूँ, ऐसे ही अच्छा करते रहो। और जब जो सोविनियर के बारे में कहा, मैं फिर बताऊंगा, बहुत सारी जगहों पे इतनी अच्छी सोविनियर नहीं बनती है और ये पूरी पूरी आपकी बधाई की बात है। मतलब एक एक इसका शब्द, इसका बहुत शब्द चयन बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो जो जितने आपके जो संरक्षक है उन सबकी सारी डिटेल, मतलब थोड़ी देर में आप लोगों ने जो देख पाए अच्छा है। इससे पता चलता है कि आपकी फोरसाइट क्या है, आपकी दूरदर्शिता क्या है, ये आपका जो है वो चेहरा है। जब आप किसी को देंगे तो वो आपको देख के कहेगा कि हाँ इन लोगों ने मेहनत की है। तो यही मेहनत बरकरार है, ऊपर वाला आपको जो है वो और ताकत दे, समर्थ रखे, मैं यही कामना करता हूँ। यहाँ मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर्वे में मशीनें चले थे तो बहुत चीजें मैं भूल गई थी पढ़ने के लिए, मुझे चैलेंज ग्रुप मिला तो ये सब ने मुझे हेल्प कर रहे पढ़ने के लिए, यहाँ पर मैं सीख पा रही हूँ नीतू मैम से और मुझे पढ़ना भी आ रहा। और क्या पढ़ा आपने? अभी मेरे कम एबीसीडी आते थे पर लिख नहीं पाती थी और अब तो लिख भी लेती हूँ और दो अक्षर का तीन अक्षर का मिला के भी। कोई शब्द बताओ आप। छोटी एबीसीडी आती है सर, अब आते हैं, पहले नहीं आते थे। दो अक्षर का शब्द जैसे नर हो गया, कर हो गया। हमारी पहली एसी बैटक सर्वाइवर है जो चैलेंज की पाठशाला में पढ़ती है। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे शिरोज को जो हमें ऐसा अवसर दिया, हमें ऐसा मौका दिया, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं था। और सीमा बहुत छोटी थी, फोर्थ क्लास में इसकी पढ़ाई को बंद करा दिया गया क्योंकि माता पिता के कारण से, मैं समझ पाया जैसे मुझे बताया सीमा ने। उसके बाद सीमा ने सीधा फोर्थ के बाद में नाइन्थ में एडमिशन किया और जो अनहोनी सीमा के साथ में टेंथ में हो गई, उसके बाद सीमा नहीं पढ़ पाई। यार कुछ न बनाओ, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाओ, अपने आप सब कुछ बनाओ। बहुत मशहूर लेखक की पंक्तियां हैं कि पुरुष मैं अकेला ही चला था जाने पर मंजिल मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। आपकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कोई भी बड़ा काम बहुत छोटी शुरुआत से होता है। आपको मैं प्रिय बालक इसलिए बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस में हमको अपनी छाया दिखती है। हम बच्चों को पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ा रहे हो। एक थैली में सीमा से जो पीड़ित बच्ची है आप उसके इलाज में हेल्प कर रहे हो। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर आप समर्थ हैं तो दूसरे की सहायता करना सीखिए, वरना फिर आप असमर्थ होंगे। तो आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसी बहुत मशहूर साहब ने लिखा था मैम कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो आप इन छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाइए, हम हमेशा आपके साथ हैं। अकेले नहीं है, हम सभी लोग हैं और जब भी आप आदेश करेंगे, जब भी कहेंगे हम लोगों से, तो हमेशा आपकी प्रगति के लिए मेरा दामन, मेरे हाथ पूरी तरह से उन्मुक्त रहेंगे। और प्रिंस जैसा कि नाम है तो उसके लिए साक्षात ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, कितना संघर्ष किया है, कितनी चुनौतियां सामने आई हैं,
और उन चुनौतियों को किस तरह से रूबरू होकर पूरी तरह से समर्पित होकर और अपने कार्य को एक प्रथम श्रेणी की श्रृंखला में रखा है, उस आयाम में रखा है, उसके लिए प्रिंस बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। प्रिंस के लिए ये कहूँ कि साहस करके जो लड़ते हैं जीवन के अंधियारों से, साहस करके जो लड़ते हैं जीवन के अंधियारों से, वे ही बातें करते हैं फिर आसमान के तारों से, वे ही बातें करते हैं फिर आसमान के तारों से। प्रिंस बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय हनीश चंद्र जी, हमारी बड़ी बहन मंजू जी, मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री शैलेंद्र जी। शुरुआत से मैंने देखा है प्रिंस को, इनकी टीम को, और कहां से कहां तक पहुंचने का सफर प्रिंस के साथ पूरी टीम का भाई। मैं कहता हूं अकेला कोई लीडर तभी लीडर बनता है अगर वो दूसरे जो साथी हैं उनको भी अगर लीडर बना सके तो वो असली लीडर है। तो ऐसा लीडर हमारे बीच में प्रिंस छोटा भाई उपस्थित है। एक ऐसा भी समय था जब इनका एक सेंटर चलता था सेक्टर 25 में, जो स्लम एरिया था वहां से, और वहां से उजाड़ दिया गया, साथ किसी ने दिया नहीं, और आज ये स्थिति है कि अपने बच्चों को लेकर राष्ट्रपति भवन तक लेके गए हैं, देश के बड़े बड़े सम्मान इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैंने अपने एक जो पुस्तिका है इसमें भी मैंने बात कही है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामाजिक बदलाव के प्रयासों में अगर प्रिंस और इनकी टीम को पद्म सम्मान जैसा सम्मान भी मिले तो ये बड़ी बात नहीं होगी। आज नहीं तो कल आज 6 जगह पहुंच गए, 6 और 3 प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। प्रिंस का ऊर्जा जो है वो अपने टीम में बाकी लोगों को भी सेम ऊर्जा देते हैं। और मैं अशोक, हम लोग तो एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, हमें भी ये लोग ऊर्जा देते हैं अगर हम थोड़े बहुत कुछ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो आई वुड लाइक टू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। अगर एक बच्चे को हम एजुकेशन देते हैं तो वो पूरे जिंदगी के लिए है उसका। तो आप जिस पद पर अभी चल रहे हैं ऐसे चलते रहिएगा, हम सभी का सपोर्ट आपके साथ है, दुआएं आपके साथ है। सभी शांत, सभी अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे कैसे? आपने ये जो संकल्प किया है ये वाकई समाज में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके साथ और टीम में इस समय जो ऊर्जावान बच्चे हैं और जिन बच्चों को अब आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, ये सराहनीय प्रयास है। मुझे लगता है कि जो काम पुरुष कर रहे हैं तो इनके जरिए जितने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वो एक इनके लिए देखने वाली और गौरव वाली करने वाली बात है। जो है बच्चों के लिए लैपटॉप, सर मैं क्या सही हूँ? इसके अंदर लैपटॉप जो है बच्चों के लिए दिया जाना है। एक बार जोरदार तालियां स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंस भैया तो काफी टाइम देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, बट जब भी बुलाते हैं हम लोग इनके पास आ जाते हैं। हम लोग कोई मंच वाले तो है नहीं कि बोल पाते हैं, बट फिर भी जब भी इनका है, जब भी हमें बुलाएंगे हम इनके पास आएंगे, और जो भी अपना कंट्रीब्यूट होगा हम इनके साथ मिल करके और बच्चों में जो सहयोग होगा हम करेंगे। धन्यवाद।
जो पैट्रॉन है चैलेंजर्स ग्रुप के मिस्टर सुनील अग्रवाल जी, जो कि यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं रहते हैं, वो जो है यूएसए में है और लगातार सबका सपोर्ट रहता है, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, और लगातार एक गाइडेंस रहती है। मैगजीन में भी फुल सपोर्ट रहा, फुल जो है गाइडेंस रही सर की, पल पल पे पूछना। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ यहीं से सर का, और सर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे कि जो कुछ इस बार कमियाँ थी, हम लोग निश्चित उन कमियों को भी पूरा करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे पैट्रॉन फैमिली के लिए, थैंक यू। सर अजीत सिंह जी, CEO ऑफ श्याम फाउंडेशन, जो आज अभी आज कार्यक्रम में नहीं आ पाई, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप नहीं आए तो जो आपके हिस्से की चीज़ थी, जो आज हमें यहाँ पर लॉन्च करना था, वो हमने नहीं किया। जब भैया आएंगे तभी लॉन्च होगा, क्योंकि भैया की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए भैया नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच पूरी मेरी सीरोज टीम, पूरी सीरोज फैमिली, पूरा छाव फाउंडेशन, आप सभी हिम्मत हैं ऐसे तमाम युवाओं की, आप सभी ऐसे हिम्मत हैं तमाम ऊर्जावान साथियों की। बीच में अभी हमारे एक भाई कहता हूँ हमेशा बड़े हैं और एक गाइडेंस देते हैं, आदित्य भैया, जो कि वो भी आज नहीं है, तो इस बात का थोड़ा दुख। थैंक यू सो मच योगेश भैया, वो भी नहीं रह पाए, अभी आए, तो थैंक यू सो मच पूरे परिवार को जो है, हर्ष जी, नितिन, सभी लोगों को, अतुल भाई, सभी लोगों का मैं नाम लूंगा तो एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी, जो भी मेरे दिल के क्लोज हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो कुछ बाकी प्रोग्राम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। वो काम जैसे कि जो हमारे बच्चे करते हैं, वो काम नहीं करेंगे, रैक पिकिंग नहीं करेंगे, बैगिंग नहीं करेंगे, हाँ एक अच्छी जॉब कर सकते हैं आप सभी, और अच्छे बच्चे अपने देश को अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।